Hello friends, welcome you all. I'm Rajendra Kumar and you are watching Gateway to English. आज फिर उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. ING का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑलरेडी जो है टू वीडियोस अपलोड कर दी है. आज रूल नंबर 3 और 4 दोनों को मैं एक साथ ही ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे. एंड तक देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट रूल देखिए आप, रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूं. ये 3 के एग्जांपल्स हैं और इस साइड में रूल नंबर 4 के एग्जांपल्स हैं. ओके, तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्लाई. फ्लाई इसके एंड में क्या है, वाई है. स्टडी एंड में वाई है. कैरी लास्ट में वाई है. इसके भी पे वाई, स्टे वाई. यानी कि जिस वर्ब के एंड में वाई आ जाए उसके उसमें आईएनजी जोड़ते समय क्या ध्यान रखना है. ठीक है, उसमें जो है वाई को एज इट इज रखना है हमने और आईएनजी को प्लस कर देना है. इसमें कोई चेंज नहीं करना, सीधा सीधा आईएनजी इसमें जोड़ देंगे. FLY फ्लाई, फ्लाइंग. फ्लाई का मतलब उड़ना. फ्लाइंग उड़ रहा, उड़ रही, उड़ रहे. स्टडी अध्ययन करना, स्टडिंग अध्ययन कर रहा, अध्ययन कर रही, अध्ययन कर रहे. ये इसका मीनिंग बनता है. कैरी, कैरी का मतलब लेके जाना, उठाना कोई चीज. कैरिंग ले जा रहे. ठीक है, ले जा रही. ठीक है, इस तरह से इसका मीनिंग बन जाएगा. पे पेइंग, पे पेइंग. ठीक है, भुगतान करना. पे का मतलब क्या, भुगतान करना. और पेइंग का हो गया भुगतान कर रहा, भुगतान कर रही, भुगतान कर रहे. ये सेंस आ जाएगी. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो आईएनजी इंग है, इंग इसका मीनिंग रहता है, इसकी क्या सेंस होती है, रहा रहे रही. तो यहां पर आईएनजी जुड़ गया ना, तो ये रहा रहे रही की सेंस आ रही है. ठीक है, जैसे स्टे ठहरना, स्टेइंग ठहर रहे, ठहर रहा, ठहर रही. ये सेंस इसकी बनती है. तो रूल नंबर 3 क्या हो गया कि जिस वर्ब के एंड में वाई हो सीधा सीधा आईएनजी प्लस कर देंगे. ओके, दूसरा नियम देखिए. दूसरा नियम क्या कहता है कि जिन वर्ब के एंड में आ जाए आई ई. ठीक है, आई ई, तो उसमें क्या करेंगे हम, आईएनजी प्लस करने से पहले इसमें जो हम क्या करेंगे, आई ई को Y में कन्वर्ट करेंगे. देखो I की जगह मैंने क्या लिख दिया, Y. I E इसकी जगह Y. I E इसका बन गया Y. I E इसका क्या बन गया, Y. यानी कि लास्ट में यदि I E ये दो लेटर्स आ जाते हैं इकट्ठे, ठीक है, तो उसमें आईएनजी प्लस करते समय ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि I E की जगह Y लिख दो और आईएनजी उसमें प्लस कर दो. एक और ये अलग सा एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है, DYE है लास्ट में. ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, रंगना, रंग देना किसी चीज में. जैसे कि कपड़ा है, कपड़े में हम रंग देते हैं, रंग घोल के उसमें कपड़ा भिगो देते हैं तो उसमें रंग चढ़ जाता है कपड़े में, उसको बोलते हैं डाई. ठीक है, रंग करना, रंग देना. ठीक है, तो डाई वर्ड है. यदि इसमें आईएनजी प्लस करना हो तो आप ध्यान रखेंगे इसमें ऐसे के ऐसे जो है ई को रखेंगे, हम काटेंगे नहीं और आईएनजी इसमें प्लस करेंगे. ठीक है, अब इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है. डाई का मतलब होता है मरना और इस डाई का मतलब रंगना. ठीक है, मीनिंग अलग अलग है और आईएनजी जोड़ने के बाद स्पेलिंग्स भी अलग अलग रहती हैं. पहले भी स्पेलिंग अलग है, इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई है. अलग अलग स्पेलिंग्स है, आईएनजी का नियम जो है अलग है. ठीक है, इसमें आईई है तो वाई में कन्वर्ट किया, यहां पर YE है, इसको कन्वर्ट नहीं किया हमने किसी दूसरे लेटर में और INE सीधा सीधा जोड़ दिया है. एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ये वर्ड मैंने यहां पे लिखा हुआ है DIVE. ठीक है, वैसे तो ये क्या है, डाइव, परंतु बहुत सारे हमारे जो है भारतीय, हमारे भाई बहन खास तौर पर जो क्रिकेट देखते हैं, मैचेस देखते हैं, वो क्या करते हैं, जब जो कोई प्लेयर है, फील्डर है, बॉल को एकदम से ऐसे उछल के ऐसे पकड़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं डाइव मार दी उसने, डाइव. असल में वो डाइव शब्द नहीं है, वो ये डाइव है.
और डाइव का मतलब क्या होता है? डुबकी लगाना। एकदम से जैसे हम पानी में छलांग लगाते हैं, डाइवर होता है वो ऐसे डुबकी लगाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो प्लेयर होते हैं वो बॉल को पकड़ने के लिए एकदम से जो है डुबकी लगाने के जैसा एक्शन करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं उसने डाई लगा दी। लेकिन वो डाई नहीं है, ठीक है, वो क्या है? डाइव। और डाइव में आई एन जी लगाते समय ई काट कर हम आई एन जी जोड़ देंगे, वही पहले वाला नियम रूल नंबर वन यहां पर अप्लाई होता है। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। एक जो है रूल अभी बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ना सिर्फ इस वीडियो को बल्कि जो पहले वाली जो वीडियोस हैं आई एन जी से रिलेटेड वो दो वीडियोस भी जरूर देखें और इस वीडियो को भी एंजॉय करें। कल फिर आपको जो लास्ट इसका नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, और भाई यदि पसंद आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी तक तो मैं ये जनरल बता रहा हूँ आपको, जनरल बातें हैं ये। इसके बाद कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे व्यूअर्स के कि सर टेंसेस को स्टार्ट किया जाए, तो मैं आपको बता दूं ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, नियम बता रहा हूँ, एक वीडियो मैंने पहले एस ई एस और आई ई एस के नियम से संबंधित जो बनाई हुई है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और ये आई एन जी वाली भी सभी वीडियोज आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं टेंसेस के लिए जमीन जो है तैयार कर रहा हूँ। यदि आप इन वीडियोज को ध्यान से देख लोगे तो फिर टेंसेस को सीखते समय मैं गारंटी देता हूं इस बात की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।